अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है तमानिया, ये है सदफ और ये है सदफ और तमानिया शो विद एन एडिशन ऑफ बेबी ज़ेन। सो भाई, आज का जो हमारा सवाल है ये भी एक आप लोगों की तरफ से आया था और उसको जो मैं अगर लुब्बे लुबाव है उसका वो ये है कि माय भाभी डजंट हैंग आउट विद माय पेरेंट्स। ठीक है, तो ये हमें किसी ने लिखा है कि वो लड़की जो है वो मुल्क से बाहर रहती है और उसके माँ बाप जो है वो पाकिस्तान में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं जिसमें भाई की शादी हुई है और भाई और अम्मा अब्बा साथ रहते हैं और जो भाई और भाभी हैं वो अम्मा अब्बा के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। अब इसकी रीसेंट एग्जांपल ये थी कि ईद हुई और उन्होंने अम्मा अब्बा के साथ यू नो सोते रहे ईद वाले दिन और अम्मा अब्बा के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। तो उसने हमसे पूछा कि उसके जो अम्मा अब्बा हैं वो ऑब्वियसली बेटी से कंप्लेन करते हैं, बेटी के साथ वेंट करते हैं, तो बेटी जो जब नंद हुई उसने कहा कि उसका इसके अंदर क्या रोल होना चाहिए और वो क्या कर सकती है। क्या ख्याल है सदफ आपका? देखो तमानिया, मैं तो सिर्फ ये कहती हूँ कि हमें अभी ये पता है कि भाई लड़की जो है जो बहू बेगम है वो ईद वाले दिन नमाज के वक्त नहीं उठी। ठीक है, नहीं उठी तो और इनके घर में ये रूल है, इनके घर का कल्चर ये है कि भाई हर कोई नमाज के वक्त उठता है, घर की खवातीन सोती नहीं रहती। हो सकता है क्या पता खवातीन नमाज पे भी जाती हो, मगर आंटी की सास की एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि बहू जो है जब लोग नमाज पे जा रहे होंगे उससे पहले उठेगी या जब वो नमाज पढ़ के आएंगे तो वो तैयार मिलेगी और बहू बेगम जो है वो तो सोते रहे। पर आई फील लाइक अगर हम टोटली ऑब्जेक्टिव होना और मैं इसको ऑब्जेक्टिव तरीके से सोचूं तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये आंटी की और नंदों की अनसेट एक्सपेक्टेशन है कि तुम उठोगी या डिड दे एक्चुअली एक्सप्लिसिटली से कि देखो बेटा इतने बजे नमाज है और तुम्हारे अंकल या तुम्हारा मियाँ इतने बजे जाएंगे तो इतने बजे ये लोग वापस आते हैं, उस वक्त तक तुम तैयार रहना। क्या आंटी ने ये बोला था? अगर तो आंटी ने ये बोला था ठीक है, सासू अम्मा ने और बहू ने कहा कि जो अगर देखा जाएगा वो सोती रही चांद रात मना के तो एब्सोल्युटली बहू की गलती है। लेकिन अगर आंटी ने सोचा कि ये देख तो रही है कि मैं काम कर रही हूँ, भाई माइंड गेम्स कि देख तो रही है मैं काम तो कर रही हूँ, ईद का मौका है, सभी उठते हैं, सब घरों में यही होता है, ये पाकिस्तानी कल्चर है, एंड शी डिड नॉट टॉक, तो फिर तो हो सकता है लड़की के घर में ये होता हो कि सब लोग सोते रहते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात ये भी है, मुझे लगता है कि हर कोई जो है ना, जैसे अब इसमें जो अगर हम नंद की सिचुएशन देखते हैं तो वो बड़ी ऑड है क्योंकि वो घर में तो नहीं रह रही, ठीक है ना, घर में तो अम्मा अब्बा रह रहे हैं और अपने भाई और भाभी के साथ रह रहे हैं, ठीक है ना, जो एक आप समझ ले कि नो एक न्यूली मैरिड कपल है और माँ बाप जो है बहुत दफा बेटियों से वेंट करते हैं, ठीक है ना, कि उनको होता है कि भाई बेटा ये हो गया ये हो गया, तो उसमें तुम्हारे ख्याल से बेटी का क्या रोल होना चाहिए? मेरे ख्याल से बेटी का कोई रोल नहीं है, वो अपने घर की फिक्र करे। ये हम हजार दफा अपनी वीडियो में पहले भी कह चुके हैं कि जो नंदे पाकिस्तान से बाहर बैठ के या शहरों से बाहर बैठ के फोन पे अपनी अम्मी के घरों की ट्रबल शूटिंग करने की कोशिश करती हैं वो सिर्फ सिचुएशन खराब करती हैं। अगर इफ यू ट्रूली वॉन्ट टू हेल्प तो आप अपनी अम्मी से कहें कि अम्मी प्लीज वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, साफ बात करें ठीक है बेटा, इस वक्त खाना है, इतने लोग आएंगे, ये मेहमान है, ये पकना है, क्योंकि देखो शुरू के दिन है ना, तो आपने एक रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी है, आपने प्रेसिडेंट सेट करना है, जो अब आप सास बहू का कल्चर घर में बनाएंगे वही चलेगा। अगर इस लड़की की पहली ईद थी या आप नए नए हैं, दावत हो रही है, खाना आ रहा है, लोगों के यहाँ जाना है, आपको एक सर्टन आप 30-35 साल से सास जो है वो घर में कुछ कर रही है, अब बहू जो है वो फौरन भी नहीं समझ जाएगी। तो अनलेस अंटिल आंटी एक्सप्लिसिटली कम्युनिकेट कर रही है कि उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, और अगर तो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन बैरियर है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई इस घर में कोई मसला नहीं है, थिंग्स विल सेटल डाउन। लेकिन लड़कियों का अपने भाइयों की मैरिजेस में बोलना कि तुम मम्मी के साथ ये करो, तुम मम्मी के साथ वैसा करो, तुम्हारी बीवी ये करे, ना सिर्फ सास बहू की रिलेशनशिप खराब करेगा बल्कि बहन भाइयों की आपस में मसला खराब होगा। बिकॉज होगा क्या, तीसरी चौथी दफा वो भाई अपनी बहन का फोन नहीं उठाएगा, बोलेगा कि यू नो व्हाट, आई डोंट वांट टू बी क्रिटिसाइज्ड ओवर एन ओवरसीज फोन कॉल। अच्छा, पता होता क्या है इसके अंदर, ये जो बात हम कर रहे हैं ना, ये तो हम आपको अल्टीमेट सॉल्यूशन बता रहे हैं, ठीक है ना, कि आपको लोग रीच आउट कर रहे हैं उस घर में, फॉर एग्जांपल यू नो योर फादर रीचेस आउट टू यू और योर मदर रीचेस आउट टू यू नो एंड दे वेंट टू यू, ठीक है ना, दे से कि बेटा ये हो गया, और यू नो एज आपका पहला रिएक्शन ये होता है, जैसे हमारा एज ह्यूमंस होता है टू प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है ना, एंड वी ट्राई टू प्रॉब्लम सॉल्व, बट देन यू हैव टू रियलाइज दैट एज सदफ सेड दैट इसका हम आपको वो वाला नतीजा बता रहे हैं जो 2 साल बाद होगा कि रिलेशनशिप्स विल गेट रुइंड, यू विल ऑलवेज बी जो नंद है वो एक वो नो जैसे होते कि एक एक्सटर्नल आप नॉनसेंस क्रिएट कर रहे हैं, आउटसाइडर है,
और ये बात एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज़ आप कहते हैं नो आई एम नॉट एन आउटसाइडर, मैं उनकी बेटी हूँ, ये मेरा भाई है. बट होता ये है कि आपका रोल जो है ना वो किसी भी सूरत हाल में पॉजिटिव नहीं होगा अनलेस व्हाट यू डू इज दैट यू जस्ट लिसन टू योर पेरेंट्स. ठीक है ना, समटाइम्स दे जस्ट वॉन्ट टू बी लिसन्ड टू. ठीक है ना, एंड देन वो नहीं कहते कि किसी को आप वेंट करने दें, आप सुने उनकी बात, आप सुनती रहें और आप अपनी में भी आप अपनी अम्मी के जो इमोशंस हैं उनको वैलिडेट कर दें, मगर किसी के एक्शन पे ना बोलें. ठीक है ना, आपका अपनी अम्मी से ताल्लुक है, आप उनसे बात करें. और जैसे सदफ ने बात की, आप मे भी अपनी अम्मी को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे दें. हाउएवर आई विल से कि सदफ अम्मियां इस सिचुएशन में कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लेने के कोई मूड में नहीं होती. ठीक है ना, अगर आप उन्हें कहेंगे अम्मी ये तो आप माइंड गेम खेला था, तो क्या मतलब है तुम्हारा मैं माइंड गेम खेल रही हूँ, क्योंकि वो हर्ट होते. ठीक है ना, दे फील हर्ट, दे फील के यू नो ये काम सही नहीं चल रहा, सो दे आर नॉट ओपन टू योर इवन सजेशंस एट दैट पॉइंट. एंड व्हाट ऑल दे वांट यू टू डू इज कि आप उनके साथ मिलकर उस तीसरे बंदे की बुराई करें. ठीक है ना, दैट इज ऑल दे वांट टू डू. ठीक है, लेकिन उससे आपका रिलेशनशिप खराब होगा, क्योंकि जब वो फोन बंद करेंगी तो हो सकता है वो बहू थोड़ी देर में आपकी अम्मी को लाकर चाय दे दे, आपकी अम्मी से अच्छी तरीके से बात करे, उनका बेटा उनके साथ आकर बात करे, अम्मी भूल जाएंगी. मगर आपका जो दिल में जो रंजिश पैदा हो जाएगी अपने भाई के लिए, अपनी भाभी के लिए, वो आपकी रहेगी. बिकॉज यू विल कंटिन्यू, आप अपने दिल में पूरे वो सोचती रहेगी, मैरिनेट करती रहेगी, और वो जो घर वाले हैं मे भी वो ठीक भी हो गए. और तमन्या फिर ये ना ये एक आपके जहन में नया फिल्टर बना देता है, फिर जो भी अम्मी अब्बू के घर में जो भी होता है ना और जो भी खबर मिलती है, आप उस हर खुशी या गम की खबर को उस फिल्टर से देखते हैं. हाँ तो ये तो पूछती नहीं है, तो अफकोर्स अगर अम्मी की तबीयत खराब है तो ये तो कभी पूछेगी नहीं, नॉट ट्रू. या ये कि हाँ ठीक है मेरी अम्मी के घर खाना था मगर ये तो फलां जगह गई थी, बिकॉज ये तो है ही बुरी, इसकी इतनी प्रेसिडेंटल हिस्ट्री सेट है कि ये इस ईद पे नहीं उठी, ऐसे नहीं उठी, वैसे नहीं उठी. तो आप एक फिल्टर बना लेंगे, आप उस घर की हर खुशी गमी, ईद बकरीद, आना जाना, शादी ब्याह को एक फिल्टर से देखेंगे. अच्छा जो ईद वाली बात है ना, मुझे बहुत हिट की, क्योंकि मैं तुम्हें बताती हूँ कि व्हाई आई सेट दिस क्वेश्चन, कि आपने एक्सप्लिसिट कम्युनिकेशन थी या नहीं. बिकॉज व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप ना, तो मैं हम लोग की बहुत फैमिली जो है ना मिडिल ईस्ट में रहती थी, सऊदी अरब वगैरह में. तो वहाँ क्या होता है, जैसे कराची में क्या होता था कि आपकी ईद की नमाज होती है 9 बजे 10 बजे इस तरीके से टाइम पे, जैसे यहाँ कैलगरी में भी होती है. तो हमारा क्या होता है, हम सुबह उठते हैं, ईद तैयार होते हैं, नहाते धोते हैं, ईद की नमाज पढ़ते हैं, फिर दिन की स्टार्ट होता है, लोगों से मिलते हैं, बच्चों को ईद देते हैं, कहीं ब्रंच होता है, कहीं लंच होता है. एग्जैक्टली सेम चीज कराची में होती थी. इन द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, जैसे मेरी खालाएं वगैरह वहां रहती थी, उन लोगों की ईद की नमाज एग्जैक्ट आफ्टर फजर होती है. ठीक है, जैसे हरम की राइट, जैसे सूरज निकला और फजर की नमाज हो गई. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी ईद की नमाज भी 5:30 बजे सुबह, हम ये इमेजिन नहीं कर सकते थे. तो जितने लोग वहां ईद की नमाज पढ़ते थे ना, ऑफकोर्स वो लोग घर आके सारे दिन सोते थे, बिकॉज वो लोग 3:30 4 बजे के जाग रहते थे. और मुझे ये याद है कि उस वक्त तो ना इंटरनेट था और ना ही कोई ये स्काइप फोन कॉल कुछ नहीं होता था. तो आपको PTCL पे ना इससे कॉल बुक करानी पड़ती थी, वो आपसे पूछता था 3 मिनट 5 मिनट 7 मिनट आपको कितने मिनट की ओवरसीज कॉल बुक करानी है ऑपरेटर से. तो जब मेरी खाला ने कोई और फोन नहीं उठाता था ना, तो मेरी अम्मी को ये बात इतनी अजीब लगती थी कि ईद वाले दिन कौन सा होता है, ये सारा दिन आल्सो जो इस ईद का दिन सो के गुजार रही है, ऐसा क्या होता है, उठो भाई, हाँ भाई सब बहुत काम होते हैं, मिलो जुलो लोगों से मिलो, ऐसे क्या हो रहा है. एंड तुम सोचो इसमें कोई ससुराली रिश्ता इन्वॉल्व नहीं था, ये सब आपस में बहन है, एक खानदान है. अगर दो बहनों या एक ही खानदान में लोगों को एक दूसरे की लाइफस्टाइल इतना लग सकता है कि ये क्या तरीका है ये करने का, तो ससुराली रिश्ते तो फिर बहुत ट्रिकी होते हैं. एंड नाउ आई रियलाइज कि अभी भी पाकिस्तान में क्या होता है कि लड़कियां जो है अपनी दोस्तों के साथ चूड़ियां लेने गई हैं, मेहंदी लेने गई हैं, स्पेशली जो अनमैरिड लड़कियां होती हैं, उनकी अम्मियां सुबह से उठी होंगी, सेवैयां बनाई होंगी, बेडशीट चेंज करी होंगी, अब्बू को भेजा होगा ईद पे, लेकिन आप रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, आप लेट से क्यों थे. अब शादी के बाद भी अगर ईद पे ऐसा हो गया तो होते होते समझ जाते आते टाइम लग जाता है. यू जस्ट नीड टू नो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं शादी के बाद आई वॉज सो श्योर कि मेरे ससुर की जो ईद की नमाज होती थी वो सुबह 6:30 बजे होती थी, तो हमारे घर में तो 9 बजे वाली नमाज पढ़ी जाती थी. तो मैं सोचती थी वाओ कि माय मदर इन लॉ डज नॉट स्लीप आफ्टर फजर, बिकॉज एट 6:30 इफ माय फादर इन लॉ फॉर नमाज, सो देन ही इज नॉट स्लीपिंग, देन वो नहा रहे हैं, शलवार कमीज इस्त्री हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो वो भी जागती थी. हर घर का रूल डिफरेंट होता है. जब आप देखते हैं बहू और नॉन बहू पार्ट, आप सवाल पूछो ना, आप इस घर में आई हैं, आपको रहना है, फाइंड आउट हाउ थिंग्स आर डन इन दिस हाउस. पूछे कि आंटी अंकल सुबह कितने बजे नमाज पढ़ने जाएंगे,
क्या आप जाएंगी तो आपको पता चलेगा ईद का क्या प्लान है, कोई नाश्ते पे आएगा क्या, हम जाएंगे ये सब बात करेंगे। आंटी क्या प्लान है, मैं अम्मी से कितने बजे मिलने जाऊँ, ये तो नहीं कि आपको इनकी इजाजत चाहिए, आप सिर्फ उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं। कम्युनिकेशन इज द की। एंड आई विल से कि कुछ ओकेशंस होती हैं लाइक यू नो यू माइट से कि तो बड़े खुशी के मौके हैं मगर ये बहुत स्ट्रेसफुल मौके होते हैं एंड इट्स ओके टू एक्नॉलेज। लाइक अ लॉट ऑफ टाइम्स लोग कहते हैं कि ओह फैमिली रियूनियन हो रही है कितना मजा आ रहा होगा, हाँ मजा भी आ रहा होता है मगर बहुत अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस हो रही होती है, कुछ लोग बहुत चेंज हो चुके होते हैं, कुछ लोगों की बातें बुरी लग रही होती है, तो कई दफा जिस चीज को हम लेबल करते हैं ना कि वो हैप्पी मोमेंट, बट वो भी उसके अंदर भी देर आर सिचुएशंस विच आर अनकंफर्टेबल। तो ये जो कुछ होती है ना जैसे शादी का मौका, ईद का मौका, फैमिली रियूनियन, ट्रिप टू पाकिस्तान, ये वैसे तो लगता है कि वाह क्या मजे का मौका होगा, नो दीज आर वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, देर आर ट्रिगरिंग, देर आर वेरी ट्रिगरिंग सिचुएशंस एंड देर आर ट्रिगरिंग फॉर अ रीजन। होता ये है कि आपके बहुत और लोग इन्वॉल्व होते हैं ईद के ऊपर, जो एक सास होती है उसको बहुत फिक्र होती है कि यू नो कोई पड़ोसी आ जाएगा, कोई रिश्तेदार आ जाएगा, आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन होती है, आप अपने बच्चों को मिस कर रहे होते हैं, इट्स अ माइलस्टोन यू नो कि ईद पर क्या किया, हर कोई पूछता है भाई ईद पर क्या किया, तो उनको होता है जी हमने तो ईद पर कुछ भी नहीं किया, बच्चे सोते रहे हम तो बस बैठे रहे। लोग कहते हैं अच्छा नई बहू आई है ईद पर क्या किया, सो कोई भी अगर यू नो कोई भी जो बहू है वो ये रियलाइज उसको करना चाहिए कि ये कुछ ओकेजन ऐसी होती है जिसके ऊपर आप अपनी वो जो नहीं होती कमर बांध के खड़े हो जाएं कि अब आप ये ना समझे भाई कोई अगर ये तो वो ओकेजन है जिसपे भाई मैं तो सारी जिंदगी मेरी अम्मी ने तो मुझे ईद पे तंग किया, आप मेरी तो शादी हो गई अब तो मैं ईद पे मजे करूंगी, नहीं सॉरी लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, मेरी तो अम्मी का ना व्हाट्सएप स्टेटस ही है जितनी हंसी आई अम्मी का व्हाट्सएप स्टेटस, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, तो जिंदगी आसान नहीं है, आपको हर मौके पे डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, ठीक है अब आपकी शादी हो गई अब आप एक इंडिपेंडेंट यूनिट बन गए मगर अब आप एक और फैमिली से एसोसिएटेड है, ठीक है तो पर ये तो हम वो बात कर रहे हैं जो एक बहू को समझ लेनी चाहिए, लेकिन अगर अब आप नन है ठीक है ना, अब आपकी एक भाभी और भाई है ठीक है ना, तो अब आप ये बात उनको कैसे समझा सकते हैं, एक तो आप नहीं समझा सकते ना आप समझाने की कोशिश करें, हो ये सकता है कभी आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो अपने भाई के सामने या भाभी अगर सुन रही हो तो उसको अपनी एग्जांपल दे दें और बता दें कि जब मेरी जब शादी हुई थी तो ये ओकेजन होती है इसके ऊपर कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, इवन इफ यू हैव द मोस्ट चिल इन लॉज इन द वर्ल्ड they are answerable to other people and it can be difficult for them to defend you at that time, so give them grace, no to unke liye zindagi aasan banaye, for example mujhe yaad hai meri jab pehli shaadi ke baad pehli eid thi to mere ammi abbu america aaye the, haaye mera itna dil tha ki main apne ammi abbu ke paas chali jaun aur meri ammi ne mujhe kaha ki nahi tum pehli eid jafar ke saath karke phir america aana, और मुझे हो रहा था कि ओ माय गॉड आप लोगों ने तो चले जाने हैं, मेरे तो चार दिन आप लोगों के साथ कम हो रहे हैं, मैं पहले से आ जाऊं मुझे 10 दिन मिल जाएंगे, मेरी अम्मी ने कहा नहीं तुम्हारी जाफर के साथ पहली ईद है, मैंने कहा जाफर के साथ पहली ईद है जिसको कोई फिक्र नहीं है ईद और बकरीद और डजंट मेक अ डिफरेंस, वो कह रहा है तुम जाओ, बट मेरी अम्मी ने मुझे समझाया कि नहीं तुम लोगों की पहली ईद है, पाकिस्तान से फोन आएंगे हर कोई जाफर से पूछेगा कैसी ईद गुजरी, वो बताएगा तमानिया तो अपने अम्मा अब्बा के पास अमरीका गई है, एंड दैट वाज सच अ स्मार्ट थिंग बिकॉज मैं ये बात नहीं सोच रही थी ना जाफर सोच रहा था, और बाय द वे मैं आपको बात बताऊं आदमी जो होते हैं वो दुनिया के सबसे बेवकूफ मखलूक होते हैं, उनको रिलेशनशिप बनाने नहीं आते ठीक है ना, तो औरतें ही रिलेशनशिप जो है बहुत ओनस औरतों पे पड़ता है, इट्स ओके लाइक बहुत दफा लोग कहते हैं कि अनफेयर है द वर्ल्ड इज अनफेयर दिस इज हाउ द वर्ल्ड रन्स यू हैव टू गो बाय द रूल्स द वर्ल्ड रन्स इट, तो मेरी अम्मी ने मुझे बड़ी समझदार बात बताई थी, मैं वो मजीद चार दिन उनके साथ गुजारने के चक्कर में अपना ससुराल में ना मेरा पर्चा कट जाना था, जो हर कोई सोचता अच्छी बड़ी लड़की है कि पहली ईद और मियां को छोड़ के चली गई, गुजारी थी, बल्कि मुझे याद है हमारे बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड्स हैं वो भी बड़ी उम्र में थे, और मुझे याद है मैंने उनके सामने कहा, मैंने कहा सादिया बाजी मेरी पहली ईद थी, और मुझे अम्मी ने कहा अभी जो है अभी अमेरिका ना हो बाद में आना, तो उन्होंने मुझे कहा तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें बहुत अच्छा समझाया था, हमेशा होगा कि शादी के बाद पहली ईद थी और तमानिया वहां चली गई, तुम्हारे ना नाम के साथ लिखा जाएगा, सो कहने को कोई कह सकता है कि भाई ये तो बड़ी अनफेयर बात है, क्यों दुनिया फेयर नहीं है, लड़की को उसकी अम्मा अब्बा सदी, ये सब बातें आई विल से कागजी होती है, बहुत अच्छी लगती है ऑन पेपर कहना, बट कुछ चीजें यू हैव टू डू टू बिल्ड रिलेशनशिप्स, सो शुरू शुरू की जो दिन होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं, अब मेरी बात सुने, अब अगर मैं ईद पे जाफर को छोड़ के भी चली जाऊं ना किसी को कोई फिक्र नहीं होगी।
ठीक है, क्योंकि मैं 13 ईदें गुजार चुकी हूँ, 2-3 बच्चे पैदा कर चुकी हूँ. सो कुछ चीजें आपको, सो मे बी आई विल जस्ट सजेस्ट दैट मे बी ये वाली बात, मे बी शायद वो भाभी ही ये बात हमारी वीडियो देख रही हो, या मे बी व्हाट डू यू थिंक सदफ, कि क्या ये बात, क्या इस तरह का एक लाइट सा किस्सा नंद अपने भाई के सामने सुना सकती है, ताकि वो शायद मे बी भाई भाभी के भी कानों में पड़ जाए. यार मैं तो ना लोगों के दूसरों के मामले में बोलने के फेवर में नहीं हूँ. नंद का तो बोलना बनता ही नहीं है. मुझे लगता है कि कुछ जैसे आंटी है, सो आई अंडरस्टैंड आंटीज दिस मदर इन लॉस पोजीशन, कि अगर आपकी बहू 11-12 बजे तक सो के उठ रही है और बीच में 10 दफा आपके दरवाजे की घंटी बज गई और उसमें आपकी पड़ोसन थी, कोई रिश्तेदार थी, कोई काम करने वाली आई और हर किसी ने पूछा कि ओ बहू अभी तक तैयार नहीं हुई, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि बहू तैयार मिलेगी बाहर अपनी सास के साथ खड़ी होगी शाना बशाना ईद वाले दिन, अच्छा हो सकता है आंटी ने खुद ये, हाँ हो सकता है आंटी ने खुद ये बात इतनी माइंड ना की हो, दुनिया वालों ने एहसास दिला दिला के उनके जहन में ये बात बिठा दी हो. बट लड़कियों को भी सोचना चाहिए कि आप किसी मखलूकी आउटर स्पेस वर्ल्ड से नहीं है ना, आप इसी कल्चर इसी दुनिया में ऑपरेट कर रही थी. यू नो हाउ ईड्स आर डन, द ओनर्स इज ऑन बोथ पार्टीज. आंटी भी थोड़ी कम्युनिकेशन बेहतर करें. लड़कियों को मुझे लगता है कि एक दो जुमले, 2-3 जुमले ना हर प्रॉब्लम से बचाते हैं. अगर सिर्फ आप पूछ ले आंटी कल का क्या प्लान है, इतनी सी बात है, ईद है, बकरीद है, कोई दावत है, किसी की शादी है, आंटी कल का क्या प्लान है, एक तो आपकी इन्वॉल्वमेंट होगी, आप घर आपको पता होगा आपने कैसे हेल्प करानी है, आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है, आपने बाजार जाना है, आपने ब्यूटी पार्लर जाना है, आपने अपनी मम्मी से मिलने जाना है, आपकी कोई दोस्त है, आप उस हिसाब से बात करेंगी. बात करें बहुत दफा मुझे लगता है कि जैसे ये आंटी बेचारी है, मे बी शी वॉज ऑल्सो, और दुनिया वालों को छोड़ दो, सबको छोड़ दो, मे बी उनकी कोई एक्सपेक्टेशन थी कि ओ अब देखो हम इतने सालों से अकेले ईद करते हैं, ठीक है अब ये लड़की आई है तो सुबह हमारे घर में रौनक होगी. हो सकता है अगर दुनिया वालों ने एहसास ना भी दिलाया, आंटी की फीलिंग्स हर्ट हो गई हो, वो डिसअपॉइंट हुई हो कि द मॉर्निंग डिड नॉट गो एज प्लान्ड, राइट. फिर तो ओनर्स इज ऑन बहू कि अगर आपको अगर आप लेट सो के उठे हैं जो आपके हिसाब से ठीक है, मगर फिर भी आपको लगता है कि ओ उनका मूड ऑफ है या उनको कोई बात अच्छी नहीं लगी, तो that day put in just some extra effort. उस दिन extra effort डालो, उनको खुश कर लो, उनको कोई अच्छा ईद का गिफ्ट या उनके साथ खाना या अपनी अम्मी के घर से जल्दी आ जाओ, कोई whatever situation के हिसाब से, घर के हिसाब से, there are million ways to make up for things, ठीक है. मगर मुझे लगता है कि एक दूसरे से बात करें. नंदों का तो बोलना बनता ही नहीं है, बनता ही नहीं है, क्योंकि देखो इतनी छोटी सी बात है ना कि आप ईद वाले दिन यू ओवरस्लेप्ट, अगर कोई और इन्वॉल्व हो जाएगा ना, सबसे पहले अगर सुनो समझिए, अगर मैं हूँ आई एम द भाभी या आई एम द भाई, अगर मैं भाई होंगी मैं सबसे पहले अपनी अम्मी को जाके बोलूंगी कि आपने कनाडा तक ये खबर मशहूर कर दी कि हम ईद वाले दिन इतने बजे सो के उठे थे, कितनी मुझे ये बात जहर लगी. हाँ अब अगर सोचो मैं भाई हूँ, मेरी बीवी लेट सोई है, ठीक है, अब अगर मेरी बहन का फोन आया, अब तो जनरली क्या होगा कि आई विल नॉट टॉक अबाउट इट, वी विल नॉट प्रिटेंड दैट सम लाइक अम्मी डिड दिस, हम ऐसे बात करेंगे ईद मुबारक, तुम्हारी ईद कैसी हुई, ऐसा क्या वैसा क्या, एवरीथिंग इज ओके बिटवीन द सिबलिंग्स, बट आई एम द ब्रदर. अगर सामने से मेरी बहन ने ओवरसीज कॉल पे कह दिया कि हाँ अम्मी कह रही थी तुम लोग लेट सो के उठे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, मेरा उसी वक्त एज अ भाई मेरा मूड सड़ जाएगा. एंड नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट वॉन्ट टू पिक अप माई ओन सिस्टर्स फोन कॉल कि इसने क्या मुझे पाकिस्तान से बाहर बैठ के जो है वो जो है सिर्फ क्रिटिसाइज करना है. यहाँ हर आदमी सोचता है जो हमसे बन पड़ रहा है हम कर तो रहे हैं, बाहर से बैठना इतना आसान है, ठीक है इतना मसला है, ज्यादा सिचुएशंस बुरी होती हैं, लोग क्या कहते हैं बहन भाई एक दूसरे को, सबके माँ बाप हैं, तुम आ जाओ यहाँ ईद करने, इनको ईद पे अपने पास बुला लो. अब सिचुएशन कितनी एस्केलेट कर गई है ओवर नथिंग, ओवर एब्सोल्युटली नथिंग, राइट. एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट है. अगली बकरी पे दोनों सास बहू एक दूसरे इस वाक्य से सीखें, आंटी को अगर कुछ करना है ना वो अपने बेटे को बुलाएं, उनसे बोले देखो बेटा तुम लोग इतना लेट सो के उठे ईद पे, चलो कोई बात नहीं, उस वक्त तो बात करने का तरीका होता है, उस वक्त तो ऐसा हो गया, अब इस बकरीद पे कसाई इतने बजाएगा, कुर्बानी का ये टाइम है, फलांडी इतने बजाएंगी, बात करें इतने बजे तुम तैयार रहना, तुम्हारे अब्बू ये कह रहे हैं, एक्सपेक्टेशन सेट हो जाएगी कि ये ऐसा करना है, ये प्लान है. आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और एज अ नन जिसने ये सवाल पूछा, We understand you feel hurt. It is बिल्कुल आपको, आप चाहते हो कि आपके माँ बाप के साथ ना आपका दिल चाहते है कि हमेशा अच्छा हो. हाँ हाँ
आप चाहते हो, बट पता है क्या, जैसे कहते हैं ना कि आप अपने बच्चों को भी दुनिया की हर्ट से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, इसी तरीके से आप अपने माँ बाप को भी नहीं प्रोटेक्ट कर सकते। आपके जो माँ बाप है ना, उनके ये इंडिविजुअल रिलेशनशिप्स हैं जो गुजरेंगे उस प्रोसेस ऑफ, खासतौर पर अगर नई भाभी है। हाँ जी हाँ जी, अच्छा चलो बस हम खत्म करते हैं। जैन कह रहा है बस बंद करेंगे, बस दो मिनट मुझे दे, दो मिनट आप भूख पड़े में दो मिनट दे, ठीक है। तो अगर आप अपनी भाभी को ग्रेस दें, ठीक है ना, आई नो वी एक्नॉलेज योर पेन कि आपको बुरा लगा है, आपका दिल चाहता है कि आपके पेरेंट्स के साथ जो है आपकी भाभी और भाई टाइम गुजारते, ये आपका ठीक है, ये आपका, बट जैसे सदफ ने कहा कि आपको ये देखना है कि दिस इज नॉट योर प्लेस, ठीक है ना, ये दिस इज नॉट योर सर्कस, ठीक है ना, ये आपका, और आप ये भी ना समझे, हाँ जी, आप ये भी ना समझे कि मैं तो अपने ससुराल वालों के साथ इतना अच्छा करती हूँ और मेरा भाई नहीं कर रहा, भाई वो आपका ससुराल है, वो उसमें जो है, जी जी जी, मिल गया, वो आपका ससुराल है और इसमें आपकी परफॉर्मेंस का आपके भाई और भाभी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आप अपने भाई को कह जी मैं तो बहुत अपने ससुराल में कुर्बानियां देती हूँ, लेकिन तुम्हारी बीवी नहीं करती, देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन दैट, वो आपका अपने ससुराल के साथ रिलेशनशिप है और ये आपके माँ बाप का आपके भाई भाभी के साथ रिलेशनशिप है। All you can do is listen to your parents, ठीक है ना, और कुछ ना कहे उनको, जस्ट उनकी बात को सुने, मे बी आपको वो बात बताने से ही उनके दिल की जो एक वो है वो पूरी हो जाए, मगर आपके लिए बहुत जरूरी है कि अगर आप लिसन कर रही हैं, ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आपने ये करना है कि आप अपने अम्मा बाबा की बात लिसन करके उसके बाद अपना रिलेशनशिप खराब ना होने दें अपने भाई के साथ। ये समझें कि ये जो सिचुएशन आपको बताई गई है, ये आपके अम्मी के लेंस से बताई गई है, ठीक है ना, और हो सकता है जो वो कहते हैं ना कि देयर इज दिस साइड ऑफ द स्टोरी एंड दैट साइड ऑफ द स्टोरी एंड देयर इज द ट्रू स्टोरी, तो हो सकता है अम्मी ने भी थोड़ा सा कोई फिल्टर लगाया हो, ठीक है, हो सकता है रात तक भाई भाभी अम्मी के साथ ही बैठे गप्पे मारते रहे हो या कोई ऐसी बात हो सकता है भाई ने अम्मी को बता दिया हो, तो कोई ऐसी बात भी हो सकती है जो अम्मी आपको कम्युनिकेट करना भूल गई या अम्मी नहीं सही समझ पाई। तो अगर आप लिसनिंग रोल अदा कर रहे हैं तो कोशिश करें, बहुत मुश्किल काम है, कि आप कोई जजमेंट पास ना करें, और उस बायस ना, ये बड़ा मुश्किल काम है, तो आपने ये करना है। और जैसे सदफ ने कहा कि भाई के सामने तो कभी जिक्र ना करें कि अम्मी मुझे ये डिटेल्स बताती हैं, क्योंकि उससे तो फिर आपका जो भाई है ना, किसी को भी अपनी प्राइवेसी इन्वेड होती हुई बहुत बुरी लगती है। जिस तरीके से आपको बुरा लगेगा कि अगर आपका कोई इन लॉज में से आपकी बड़ी पर्सनल बात बताएगा कि हाँ जाफर जिक्र कर रहा था कि तुम लोग ये बात कर रहे थे, तो आपको बहुत बुरा लगेगा और आप कहोगे भाई ये तो हमारी अपनी बात थी, ये किसी और को क्यों पता चली। तो इसी तरीके से समझिए कि आपके भाई के लिए भी यही होगा। और तुम्हारे जो पार्ट बी है इसी क्वेश्चन का कि भाई मेरे भाई भाभी जो हैं वो तो मेरे पेरेंट्स का टाइम स्पेंड नहीं करते, तो देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ ऑन द ऑनसेट कि किसी भी चीज को, कोई भी आपकी जिंदगी में मेजर लाइफ चेंज होता है ना, उसके होते होते एक साल पूरा लग जाता है सेट होने का, चाहे आप रिलोकेट हो रहे हैं तो पूरा साल लगेगा। अब कोई इतना बड़ा लाइफ ऑल्टरिंग इवेंट है आपकी फैमिली में और आपके भाई की जिंदगी में कि एक नया बंदा आया है घर में, उसने घर में अपनी जगह बनानी है, वो एक पूरे साल की साइकिल होती है, क्योंकि एक साल के अरसे में हर चीज होती है, हर ईद बकरीद एनिवर्सरी रमजान वेकेशन गर्मी सर्दी खुशी गमी आना जाना होता है, तो आपको एक साल की जो साइकिल है ना वो हर तो आपको यूज कर गुजारनी होती है। तो ये जो एक साल जो आपकी शादी का होता है ना वो एडजस्टमेंट है। इसमें ये होता है कि जो ये एक तो जो लड़के के पेरेंट्स है ना और जो भाई बहन है जो भी लोग घर में, दे हैव टू गिव द अदर पर्सन स्पेस कि हाँ ठीक है ये जो हमारा भाई है इस बात की हम बहुत मल्टीपल वीडियोस में पहले बात कर चुके हैं कि अब ये इसका इसकी जिंदगी के एक्सपीरियंस में सीवी में रेज्यूमे में एक और रोल ऐड हुआ है और इसको इस रोल में पास होना है। आप नहीं चाहते कि खुदा ना खासा किसी कोई भी बहन नहीं चाहती कि उसके भाई की मैरिज फेल हो, तो ही आर ब्रदर इज गोइंग थ्रू समथिंग, तो उसको इस लड़की को भी जो लेके आया उसकी जिम्मेदारी है, उसको हैप्पी करना है, उसको सेट करना है, तो अफकोर्स उसको टाइम देना है। तो टाइम तो दिन में 24 घंटे ही है ना, फिर काम भी है, फिर दूसरी और चीजें भी हैं, तो जो आपका टाइम था जो मेजर चंक उसमें से था उसी में से निकलेगा आपके भाई का टाइम। दूसरी बात यह कि ये बात बहुत अंडरस्टैंड करें कि जब आप लोग इस किस्म की डिमांड्स करते हैं ससुराल वाले कि हमें टाइम दो हमें टाइम दो, तो आप कपल के मी टाइम में से वो टाइम ले रहे हैं, वो कपल भी नहीं आए, उसको भी साल दो साल हुए, उनको वही टाइम चाहिए अपने आप को जमाने के लिए उस घर में उस खानदान में एक दूसरे के साथ अपने आप को समझने मिले। वो लोग तो आप
if you think you are going through something, actually the dulha dulhan are actually going through something more, because now they have tied themselves to a totally new human being. Chai chalo samjho love marriage bhi thi, and you think you knew that person before, living in and moving in together and living is a totally different thing. उनकी शादी पे इस किस्म का अननेसेसरी प्रेशर ना डालें, हमें टाइम दो टाइम दो. भाई तुम्हारा बेटा है 30 साल का, 25 साल का, शादी की तो उसने 25 साल तुम्हारे साथ गुजारे. अभी तुमने 30 साल 25 साल के भाई की शादी की, उसने तो 25 साल तुम्हारा भाई था. रिश्ता खत्म तो नहीं हो रहा, कहीं भागा तो नहीं जा रहा, वो घर छोड़ के तो नहीं चला गया ना. लिटिल पेशेंस, दीज आर एडजस्टमेंट्स. ऑफ कोर्स चेंज इज पेनफुल. कोई भी चीज आपके घर में होती है ना, दीज आर ग्रोइंग पेन्स फॉर अ फैमिली, द होल फैमिली, द फैमिली इज ग्रोइंग. एडजस्टमेंट्स हैं. जो जवान लोग होते हैं, जैसे बहनें हैं, भाई हैं, नंदे देवर देवरानी हैं, वे आर फुल ऑफ लाइफ. उनके अपनी जिंदगी में इतनी 50 चीजें चल रही होती हैं, अपने करियर, अपने दोस्तें, अपना नेटफ्लिक्स, अपने बच्चे, अपनी वेकेशन, अपने गोल्स, वो इतना माइंड नहीं करते बिकॉज दे हैव देयर ओन गोल्स. पेरेंट्स जो बूढ़े होते हैं, जो रिटायर होते हैं, दे फील इट मोस्ट बिकॉज प्रॉब्ली उनकी प्लेट इतनी फुल नहीं होती. ऑफ कोर्स ये बहुत ही सैड बात है कि पाकिस्तान में जो ज्यादातर बूढ़े लोग हैं बेचारे, जो रिटायर्ड सीनियर सिटीजन हैं, उनकी इतनी कोई हॉबीज नहीं है. मगर इन एनी केस, इफ यू आर इवन अ वर्किंग वुमन, योर फादर इज वर्किंग, बट अब संडे को बाप बेटा मिलकर गाड़ी धोते थे, अब नहीं धोते, इट इज ओके. इट डजंट मीन कि आप उसके बाप नहीं रहे, वो आपका बेटा नहीं रहा, मोहब्बत कम हो गई होगी. बट यू ऑल्सो शुड बी हैप्पी कि ये अपनी मैरिज में हैप्पी है, ये उस लड़की को टाइम दे रहा है, बिकॉज दैट इज व्हाट यू वांट फॉर देम. अगर लड़का शादी के बावजूद भी हर वक्त अम्मा के साथ बैठा है, बाप के साथ गाड़ी धुलवा रहा है, सौदा लेने जा रहा है, बहनों को फोन कर रहा है, ये कोई खुश होने की बात नहीं है, ये रेड फ्लैग है. आप ही लोग ससुराल वाले पूछे कि भाई क्या इज एवरीथिंग ओके, इस लड़की को तुम टाइम क्यों नहीं दे रहे, इट्स अ रेड फ्लैग. एडजस्ट अपना दिल बड़ा करे. अफकोर्स जब घर तो मकान है, एक बेडरूम है, एक बाथरूम है, आप किसी को ले आए, बहुत आसान काम है. दिलों में जगह बनाने में ना पूरी पूरी उम्र निकल जाती है. दिल बड़े होते होते जगह बनाते, रिश्ते बनते बनते, तो आपको टाइम नहीं देते, तो अब आप रूल बनाएं. आप उनसे बोले कि 5 days a week तो तुम लोग ऑफिस में होते हो, थके हुए होते हो, हम भी काम करते हैं, या हमारी भी जो है, तुम अभी अंडरस्टैंड, तुम लोग फिर वीकेंड है, लड़की ने अपनी मम्मी के घर जाना है, तुम लोग की शॉपिंग है, अपने काम है, कपल का मी टाइम है. एक हफ्ते में एक संडे का खाना या संडे का ब्रंच या संडे का नाश्ता, हलवा पूरी, कोई भी एक चीज जो है ना, वो तुम्हारा हमारा टुगेदर टाइम है. दिस इज नॉन निगोशियबल. या हम रेस्टोरेंट जाएंगे, या हम टेक आउट करेंगे, या हम मूवी देखेंगे, या हम कहीं जाएंगे, या हम कुछ भी करेंगे. सास ससुर बहू बेटा, बेटा बहू, इस आप स्टार्ट करें. लाइक बजाय से कि आपको एक्सपेक्टेशन हो कि सामने वाला जो है आके हमें टाइम दे. अब पहले जैसी बात नहीं है, ऑफकोर्स पहले जैसी बात नहीं है, पहले जैसी बात होनी भी नहीं चाहिए, इसीलिए तो शादी की कि पहले जैसी बात ना हो, राइट. अब आप ये करें, आप बोले कि ये हम 4 लोग 5 लोग या अगर अनमैरिड नंदे देवर हैं, अब हम भी तो एक फैमिली है, हम एक ग्रुप है, हम इस घर में रहते हैं, हम जॉइंट फैमिली है, ये हमारा बॉन्डिंग टाइम है, हम ये करेंगे. यकीन करें, जब ओल्डर पेरेंट्स सास ससुर इस किस्म का इनिशिएटिव लेते हैं ना, उससे आप घर की जो बहुएं, आई मीन वी हैव बीन देयर, हम लोग भी एट सम पॉइंट न्यू बहुएं थी, इन खानदानों में अपनी जगह बना रही थी, इतना दिल बड़ा होता है. आपको लगता है कि ओ, इन्होंने हमें गिना, हम हेड काउंट में आए, हम इंपॉर्टेंट है, अब ये लोग जाएंगे या हमें लेके जाएंगे, वी आर फीलिंग इंक्लूडेड, या हम, हमारी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है, पार्टिसिपेशन है. आप एज अ नंद ये फील कर रही हैं कि मेरी अम्मी ने बोला कि भाई भाभी टाइम नहीं दे रहे, आप अपनी अम्मी से बोले, अच्छा अम्मी ठीक है, आप उनसे बात करें कि दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग, तुम लोग बताओ तुम लोग को कौन सा टाइम सूट करेगा. ये फ्राइडे नाइट है, फ्राइडे को हाफ डे होता है, संडे की मॉर्निंग है, बेटा तुम अपनी अम्मी से कब मिलने जाओगी, क्या. तो इस तरीके से जब आगे ये सब वीकेंड्स आएंगे और आप ये करना शुरू होंगे ना, तो 3-4-5 हफ्ते महीने बाद वो लड़की किसी दोस्तों से मिलने को बोलेगी, सॉरी यार इस वक्त मैं नहीं मिल सकती, ये तो मेरे ससुराल का टाइम है, इसके बाद इतने बजे ये कर लेते हैं. तो आपकी जो टाइम और अटेंशन की नीड है ना ऑफ ओल्डर पेरेंट्स, वो भी पूरी होगी, उनका कप भी फुल रहेगा. हाँ, इसे मैं कहना चाहती हूँ कि चाहे मौलाना तारिक जमी कितना कहें, ये आजकल की फाइनेंशियल रियलिटी है कि अ लॉट ऑफ पीपल हैव टू लिव इन जॉइंट फैमिली सिस्टम्स बिकॉज़ यंग पीपल आर नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इनफ. बहुत लड़के जिस वक्त उनकी शादी होती है तो उनको 10-11-12 साल लग जाते हैं इतना कि उसके बाद वो अपना एक इंडिपेंडेंट सेटअप कर सके. तो बहुत लोगों की ये एक सैड रियलिटी है कि दे हैव टू लिव विद अ जॉइंट फैमिली, आपको रहना पड़ता है. तो आप ये भी देखिए कि आपको कुछ फायदे भी हो रहे हैं उस जॉइंट फैमिली में रहने के, कंबाइंड कॉस्ट्स हैं और खासतौर पे आजकल के जमाने में तो यू नो बहुत जो खर्चे बढ़ रहे हैं. तो फिर आप
अब देखें कि अब इस सिचुएशन को, अब ये जो एक सेट ऑफ यू नो हमारे पास है, फ्यूचर चाहे जो भी प्लान हो, हाउ डू वी हैव टू मेक इट वर्क. तो जो सदफ ने बात की वो बहुत जरूरी है कि जो नया रिलेशनशिप होता है हमेशा उसको ज्यादा टाइम चाहिए होता है. आप अपनी सेल्फ एस्टीम को इतना नाजुक ना रखें कि किसी के बच्चे के टाइम स्पेंड करने से आपकी सेल्फ एस्टीम एकदम से कम हो गई. अभी आपकी बच्चे की शादी हुई है, वो ऑफकोर्स आप इनकरेज करें. देखिए अल्टीमेटली आप यही चाहते हैं ना कि आपका बच्चा खुश रहे, आपके बच्चे की घर सेट हो, यू नो अपनी बीवी के साथ अंडरस्टैंडिंग हो, आगे उसकी अपनी फैमिली हो, बच्चे हो. ये चीजें कब होंगी? जब वो अपनी फैमिली को, अपनी बीवी को टाइम देगा. जी, तो आप जो है उसकी इस नीड को अंडरस्टैंड करें. दूसरा ये बात है कि मे बी जो नंद ये कर सकती है कि अपने माँ बाप को इनकरेज करे टू परस्यू सम ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट. ठीक है, बहुत दफा जो हमारी माएँ हैं वो इस सेटअप में फंसी हुई होती हैं कि बेटा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, मैं अपना कोई पैशन परस्यू नहीं कर सकी, मैं ये नहीं कर सकी. तो अब आप उन्हें कहें, अम्मी आपको याद है ड्राइंग का बड़ा शौक होता था, पेंटिंग का बड़ा शौक होता था, आप ट्राई करें, यू नो वो शुरू करें. अबू से कहें, अबू गार्डनिंग शुरू करें, आपको कभी टाइम नहीं मिला, आपके ऑफिस की मसरूफियात होती थी, या आपका जो सामने वाला स्कूल है उसमें जाके वॉलंटियर अबू पढ़ाना शुरू करें. अपने जब आप अपने अम्मी अबू को यूजफुल सजेशन देंगे, ऑफकोर्स आपके पेरेंट्स कई दफा रिजिस्ट करेंगे क्योंकि उनको भी कभी जिंदगी में टाइम ही नहीं मिला अपनी चीजों को परस्यू करने का. लेकिन आप मे बी अपने पेरेंट्स को इनकरेज कर सकते हैं कि वो भी अपने इंटरेस्ट को परस्यू करें, तो उससे फिर वो इन चीजों की तरफ, दूसरे लोगों की तरफ देखना कम कर देंगे अपने आप को इंगेज करने के लिए. हाँ, और तुम्हारी जो ये बात है कि इस क्वेश्चन में इस लड़की ने पूछा कि मेरा क्या रोल है, हाउ व्हाट डू आई डू, तो ये जो नंद है, मैं कहती हूँ कि बहुत दफा ऐसा होता है कि जैसे हम लोग की शादी हुई में वी हैव बीन देयर, बहुत अरसे तक जो है आप हर न्यू ओकेजन पे, ईद बकरीद हॉलीडेज, खुदा नखास्ता किसी की शादी है, किसी की डेथ हो गई खुदा नखास्ता, इस किस्म की चीजों में यू आर जस्ट वेटिंग टू सी के इस घर में क्या होता है, ये लोग कैसे करते हैं, क्या फैसले होते हैं, व्हाट इज गोइंग टू हैपन. सो बहुत दफा ऐसा होता है कि कुछ दफा लड़कियों में अकल होती है, वो जाके अपनी सास से कहती हैं कि आंटी या अम्मी हाउ कैन आई हेल्प यू, या क्या प्लान है, या क्या करना है. बहुत दफा आप इतने अनश्योर होते हैं या आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, आप कुछ नहीं बोलते, और उस साइलेंस को मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है कि ये अलूफ है, इन्वॉल्व नहीं है, ये इसको अपनी पड़ी है, या शी डजंट केयर. दैट्स नॉट ट्रू. हर कोई से पहली दफा में एक दो साल तो आप देख रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं. अगर नंद ने कुछ करना ही है ना, तो एक तो एक ए बात यह है कि वो अपने भाई भाभी से कुछ ना बोले, बी बात यह है कि अपनी अम्मी से बोले कि आप अब आप तो वो कहें, आप हमारा शो देखती हैं, आप पाकिस्तान से बाहर रह रही हैं, जहां भी यू नो हाउ थिंग्स कैन बी डन इन अ डिफरेंट वे. अगर आपको कुछ बोलना है, आप अपनी अम्मी को बोले कि अम्मी आप जो है थोड़ी रिलेशनशिप बिल्डिंग पे काम करें. फॉर एग्जाम्पल ईद आ रही है ना, तो उसे पूछे बेटा तुमने अपने जोड़े का क्या सोचा है, कहीं कुछ देख के आई, एग्जीबिशन गई, मॉल गई, कुछ पसंद आया. बकरीद पे पूछे बेटा तुमने जोड़े का क्या सोचा है, बेटा तुमने कुर्बानी का क्या सोचा है, इस किस्म का पूछे. या पाकिस्तान में बहुत ट्रेंड है कि जब गर्मी आई लॉन के जोड़े बने, सर्दी आए दो चार सर्दी के जोड़े बने, उससे पूछे बेटा तुम्हें कुछ लेना है, कुछ सोच रहे हैं, हम चलने सोच रहे हैं, चलोगी. इस किस्म के दो तीन दफा अगर कोई सामने से सासी पहल करते हैं ना, चौथी पांचवी दफा बहू को शर्म आती है, वो खुद पूछती है कि आंटी आपने क्या सोचा है, अम्मी आपने क्या सोचा है, आपने देखा है फला जगह, मैंने सुना है, मैंने ये ऑनलाइन देखा है, एकदम से सासों को लगता है कि ओ देखो इससे हमसे पूछा क्योंकि इसे हमें परवाह है. अब उनकी ये शिकायत भी दूर हो जाएगी कि टाइम नहीं दे रही, या ये कि हमारे साथ टाइम नहीं स्पेंड करती है, इस किस्म की चीजें. या अगर आप स्मॉल टॉक करें ना कि फला जगह ये चीज सेल पे लगी हुई थी, फला ये अच्छा था, या ये सोच रहा है ये करने का, या तुम बताओ कि तुमने क्या सोचा है, तुम्हें क्या लगता है. जरूरी नहीं है कि आप जो वो मशवरा दे आप करेंगे. अगर आप सास जो है वो थोड़ी ये कि अपने लिए जोड़ा लेने गई थी, तो बेटा तुम्हारे लिए कुर्ता पसंद आया, बस एक कुर्ता लेके आ गई 1800-2000 का, बेटी बहू पे भी फर्ज नहीं है कि वो कुर्ता पहने. मगर इस किस्म के स्मॉल काइंडनेसेस से आपके दिल में एक दूसरे के लिए जगह बनती है, पर आपको ये शिकायतें नहीं रहती है कि ये तो आपस में लगे हुए हैं, या देर से सो के उठे, या ये कि हमें टाइम नहीं देते. बिकॉज दो तीन चार दफा आप किसी के साथ करते हैं ना, सामने वाला भी अगर तो तमीज के जो लोग होते हैं, ढंग के, जो हमारी हर वीडियो में बेसिक अजम्पशन होती है, वो लोग भी रेसिप्रिकेट करते हैं, फिर सर शिकायतें खत्म होती हैं. तो अगर नंद ने कोई रोल प्ले करना है ना, तो उसने ये प्ले करना है कि वो अपनी अम्मी को ये आइडियाज दे. एक्चुअली मैं एक बात बताऊं, ये आइडियाज हमें ज्यादा आते हैं, हम लोगों में ज्यादा एक्सपोजर है, हम प्रॉब्लम अपने पेरेंट्स से ज्यादा पढ़ लेके गए, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, हम दूसरों को, गोरों को, दूसरे कल्चर्स में देखते हैं हाउ द सिचुएशंस आर हैंडल्ड. बिल्कुल, बहुत दफा ऐसा है कि मैं ये बात मानती हूँ कि अगर मैं पाकिस्तान में रहती होती, मैं ये पर्सन ना होती, मुझे ये सब एक्सपोजर नहीं होता, मुझे ये आइडियाज ही ना आते. हमारी अम्मियां तो फिर पिछली जनरेशन की हैं, और वो पता नहीं क्या क्या सही नहीं है ससुराल और सोसाइटी और लोगों के हाथों बातें और क्या क्या बकवास, राइट.
जो पाकिस्तान का कुछ चीजें बहुत डिफिकल्ट है कल्चर में, तो वो लोग तो ये सब चीजें सोच ही नहीं सकती। तो अगर आप नन में कोई रोल प्ले करना है तो अपनी अम्मी को ये आइडिया दे कि आप ये करें ये करें। शुरू में सारी माएं रेजिस्ट करती हैं कि ओहो ये क्या बेकार की बात है, हम क्यों करें, अरे उसको भी तो दिख रहा है, ओहो ये सब हमसे नहीं होता भाई, ये क्या लल्लो चप्पो है। बट आप अपनी अम्मी को इंसिस्ट करते रहेंगे ना, बोलेंगे कि अम्मी इसका असर होता है, यू कीप डूइंग दिस। अगर आपने कोई रोल प्ले करना है ना, अपनी अम्मी को ये आइडियाज दें कि हाउ टू बिल्ड अ बेटर बॉन्ड विद द डॉटर इन लॉ विद दीस स्मॉल काइंडनेसेस। बिल्कुल एग्जैक्टली, नहीं दोस आर वेरी गुड आइडियाज एंड आई होप दिस हेल्प्स द पर्सन हु आस्क्ड अस दिस। डू कीप सेंडिंग अस योर क्वेश्चंस और वी ऑलवेज इनकॉर्पोरेट देम। Do subscribe to our channel if you like this video. लोगों के साथ share करें and we always look forward to your feedback. अब Zain कह रहा है mama video बस हो गई Zain की। चले okay, thank you, Allah Hafiz. Allah Hafiz. एक मिनट चलो ये क्या हुआ? इसको point कीजिए।